ये फ्लैग के अंदर आती नहीं है, लेकिन बना के डालना पड़ता है। कुछ नहीं, एक सीधी रस्सी है और इसको इस प्रकार से बनाया हुआ है। हम लोग गिल्ली बनाते हैं, दोनों साइड से शार्प होता है, बीच में फिर से उसको राउंड होता है, दूसरे साइड से शार्प होता है। तो महाराष्ट्र के अंदर गिल्ली बोलते हैं, आपके तरफ क्या बोलते हैं मुझे मालूम। ये रस्सी जो है के बाद मेरा हाथ जो है ऊपर वाले रस्सी के साइड में, ऊपर वाले रस्सी के साइड में एक हाथ में मैंने फ्लैग को पकड़ लिया। इसको दो राउंड घुमाना है, कितने राउंड? दो राउंड। एक दूसरे में मैं उंगली रखूंगा, मेरा इंडेक्स फिंगर रखूंगा, फिर से खोलता हूँ, फिर से खोलता हूँ। ये इंडेक्स फिंगर जो है ये सामने रखना, पहले एक राउंड लगा लेना, एक दूसरे में इंडेक्स फिंगर सामने रखना,
इस इंडेक्स फिंगर के ऊपर से आने देना है, इस दूसरा राउंड, और इसके बीच में से ये रस्सी खींचना इधर से राइट साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ऐसी गठन आने को होना। इसको बोलते हैं सुसाइड नोट, सुसाइड नॉट भूल गए क्या? अभी मरने के बाद खुलती क्या वो? ये खुल जाता है। क्या किया मैंने, एक राउंड लगाया, दूसरे राउंड में इंडेक्स फिंगर रखा, और सेकंड राउंड जो है वो इंडेक्स फिंगर के ऊपर से लिया ताकि राइट टू लेफ्ट रस्सी निकले, राइट टू लेफ्ट रस्सी निकले, लटका दिया। ये रस्सी को बांध देना पड़ेगा, नीचे नहीं आना चाहिए। So this is all about the steps to tie flags. You can use all the steps at your own schools and any places. And this class was taken by one of our professors at college, and we are very thankful towards him.